हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है रिएजेंट की सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 की, जो देता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। किसके साथ रिएक्शन देता है? तो ये डिहाइड्रेशन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड का एंड अमाइड्स का। तो फटाफट देखते हैं किस तरह से रिएक्शन होती है। चलिए फटाफट, है ना, तो हम बात करते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड डिहाइड्रेशन रिएक्शन किसके साथ होती है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो आपके पास हुआ करती है, तो वो होती है आपके पास एक तो होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, और दूसरा जो मेरे पास होता है वो होता है मेरे पास अमाइड के साथ में। किसके साथ में? अमाइड के साथ में। तो देखना शुरू करते हैं फटाफट। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराई जाती है तो आप ये चीज विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि आपको 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिक्वायरमेंट रहेगी। कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी? 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब P2O5 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास क्या है? रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होता है आपके पास यहां से? ये हाइड्रोजन, और आपके पास ऐसा है कि सेकंड मोल से माइनस ओएचएन आप ले लीजिए, तो एच प्लस और ये माइनस ओएच यहाँ से निकल जाते हैं, तो आपके पास वाटर रिमूव हो गया। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा माइनस, उस कार्बन के ऊपर चार्ज आएगा प्लस। तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन आपस में क्या बना लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ऐसा है कि आपको ऊपर से था आपके पास आर सी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन ऐसा का ऐसा आ जाएगा, और नीचे से आपके पास आ जाएगा सीओ आ। तो मेरे पास अगर जो ध्यान से देखा जाए, ये स्ट्रक्चर जो बनी है वो बनी है आपकी किसकी? एनहाइड्राइड की। तो ये ध्यान रखिएगा कि डिहाइड्रेशन P2O5 के साथ कराया जाता है अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो एनहाइड्राइड बना करता है। अब बात कर लेते हैं अमाइड के लिए। तो अमाइड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, RCO NH2। ठीक है, इसके मुझे क्या करना है? P2O5 के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, क्या होगा? वाटर रिमूवल होगा। कैसे करेंगे? बेसिकली तो आपको NH2 से H2, और ये ऑक्सीजन कहां से? कार्बन से आपके पास यहां से इस तरह से निकल जाएगा। तो चूंकि आपको यहां से वाटर निकल गया है तो क्या बचा आपके पास? R। कार्बन के 2 बॉन्ड ब्रेक हुए ऑक्सीजन के साथ में, सेम वे नाइट्रोजन के भी 2 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं 2 हाइड्रोजन के साथ में। तो यहां पर आपके पास कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 1 बॉन्ड ऑलरेडी है, 2 बॉन्ड और बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास RC NH2। तो RCN बना है जिसको हम बोलते हैं नाइट्राइल या फिर साइनाइड। तो आपके पास जैसे अमाइड के साथ रिएक्शन कराने पर बनता है साइनाइड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर बनता है आपके पास एनहाइड्राइड। चलिए चलते हैं फिर आगे। नेक्स्ट आप कुछ रिएक्शंस, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि हमारे थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या है मेरे पास, ये CH3COOH इथेनॉइक एसिड आप कंसिडर कर सकते हैं। तो मुझे क्या चाहिए? 2 मोल्स चाहिए, तो मैंने 2 मोल्स यहां पर ले लिया। किसके साथ रिएक्शन करानी है? P2O5 के साथ में। क्या होगा? डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। ऊपर से निकला एच, नीचे से आपके पास OH, H2 निकल जाएगा, यहां पर चला जाएगा माइनस, यहां पर प्लस, दोनों आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। तो आपके पास जो बनेगा वो बनेगा RCOO, और नीचे से आपके पास आ जाएगा CO CH3। ठीक है, तो मेरे पास ये बन रहा है एनहाइड्राइड। और एनहाइड्राइड का नेमिंग किस तरह से किया जाता है? तो हम बोलते हैं जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है उसके हिसाब से किया जाता है। तो इथेनॉइक एसिड से बना है तो मेरे पास ये जो एनहाइड्राइड, इसका नाम है इथेनॉइक एनहाइड्राइड। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो मेरे पास इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, नामकरण कीजिए फटाफट इसका। क्या होगा आपके पास? क्या हो जाएगा? 2-methylpropionic acid। इंपॉर्टेंट क्या है? 2 मोल्स चाहिए, तो इसके मैंने 2 मोल्स लिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्या होगा आपके पास? वाटर निकलेगा किस तरह से? यहां से हाइड्रोजन, यहां से OH ग्रुप, और आपके पास क्या हो जाएगा? दोनों को आपस में क्या कर देंगे हम? कनेक्ट कर देंगे। तो वाटर निकलने के बाद जो मेरे पास बचता है वो बचता है कुछ इस तरह से, ठीक है, और ऑक्सीजन के थ्रू आपका जैसा नीचे वाला आपका जो CO ये ग्रुप इस तरह से क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो आपके पास ये क्या बना है? एनहाइड्राइड बना है। क्योंकि मेरे पास ऐसा जो रिएक्टेंट जो मेरे पास था उसका नाम क्या था? 2-methyl
प्रोपोनोइक एसिड, तुम्हारे पास जो एनहाइड्राइड जो बना है उसका नाम हो जाएगा टू मिथाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। समझ में आ रही बात सभी को? चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो मेरे पास यहां पर है बेंजोइक एसिड, क्या है मेरे पास? बेंजोइक एसिड। तो फर्दर मुझे वापस क्या चाहिए? मैंने कहा सर ऐसा है कि वापस मुझे 2 मोल्स तो चाहिएंगे, है ना, डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक के लिए। तो 2 मोल्स मैंने यहां पर क्या कर लिया, लिख लिया। क्या होगा? मैंने कहा वाटर निकलेगा, ये एच और ये माइनस ओ एच इस तरह से निकल जाएगा, आपके पास क्या बनेगा? तो क्या बनेगा, तो देखिए फटाफट, ऐसा है कि फिनाइल ग्रुप, ये सीओ ओ सीओ, और ये मेरे पास आ रहा है फिनाइल ग्रुप, ठीक है। तो इसका मेरे पास ये है, मेरे पास बेंजोइक एसिड, ये भी बेंजोइक एसिड, ये जो मेरे पास एनहाइड्रेट जो बना है वो है बेंजोइक एन हाइड्राइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ अमाइड के भी क्वेश्चन कर लिए जाए, है ना। तो अमाइड के कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो मेरे पास कुछ इस तरह का हो, सपोज क्या हो, इस तरह से हो। तो मेरे पास क्या है, इथेनामाइड है, क्या होगा, वाटर निकलेगा, ओके वाटर मैंने यहां से निकाला, ठीक है। तो क्या बनेगा मेरे पास, साइनाइड। तो मेरे पास हो जाएगा ये सिंपल इथेन नाइट्राइड। समझ में आ रही बात? इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन भी कर लेते हैं फटाफट, देखिए। तो मेरे पास एक वापस एक छोटा सा मैंने सवाल लिया है, छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान सा। क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है, किसके साथ में, P2O5 के साथ में, ओके। क्या निकलेगा, मेरा वाटर निकलेगा, शॉर्टकट से क्या कहता है कॉन्सेप्ट, ये आया आपके पास यहाँ से और ये आपके पास H2O यहाँ से निकल जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो बनेगा क्या बनेगा, साइनाइड बनेगा, दिस इज द साइनाइड। समझ में आ रही बात? इन द सेम वे अगर आपका जैसा है बेंजीन है मेरे पास, यहां मेरे पास क्या आ रहा है, सी डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, वाटर रिमूव करना है। तो मैंने क्या किया, वाटर रिमूव किया, ठीक है। क्या बनेगा मेरे पास, साइनाइड, ओके। तो ये मेरे पास बन गया साइनाइड। सबको समझ में आ रही बात? ऐसा मत कर लेना भी, ऐसा है कि अमाइड के केस में आप 2 मोल्स यूज कर लीजिए, ऐसा मत करना। आपको सिंगल मोल ही लेना है, 1 मोल की रिएक्शन होगी, सीधा H2 निकालना और क्या बनेगा, साइनाइड बनेगा। समझ में आया सभी को? ओके, तो आज के लिए इतना काफी है, ऑल द बेस्ट सभी को, थैंक यू।